हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं क्विक रिव्यू करने वाला हूँ सेनेजर HD206 हेडफोन का, जो कि ये वाले हेडफोन्स है। और स्पेसिफिक बात करूँ अगर इस हेडफोन्स की, तो इन हेडफोन्स का काफ़ी ज़्यादा हाइप है। अगर बजट रेंज की बात करें तो बजट रेंज में इस हेडफोन को आपने बहुत बार सुना भी होगा। अमेजोन के ऊपर भी कुछ 4 स्टार्स की रेटिंग है इस हेडफोन पे, बट रिव्यूज़ अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो काफ़ी मिक्स्ड है। तो कैसा है हेडफोन और जो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उसके लिए ये वर्थ है या नहीं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो सेनेजर कंपनी बहुत से लोगों को पता होगा कि काफ़ी अच्छे हेडफोन्स बनाती है, तो ये एक बजट रेंज में आता है। हालांकि ज़्यादा बजट में नहीं है। अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो अमेजोन पे अभी के टाइम पे ये आपको कुछ 1800 या 1900 में मिल जाएंगे। तो उस प्राइस के हिसाब से ये हेडफोन कैसा है मैं आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो अगर पहले बात करते हैं पहले स्टार्ट कर देते हैं डिज़ाइन और लुक से। तो डिज़ाइन आप देखोगे काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी स्टैंडर्ड सा डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। और हालांकि ये हेडफोन्स काफ़ी पुराने हैं, ये अभी के हेडफोन्स नहीं है, तो उस टाइम पे उतनी ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होती थी। बट यस, डिज़ाइन के मामले में स्टैंडर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुशनिंग आती है हेडबैंड के ऊपर यहाँ पे, और ईयर कप्स के ऊपर कुशनिंग है। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, ज़्यादा हाई क्वालिटी की कुशनिंग नहीं है, नॉर्मल सी है। और ये जो मटेरियल है ये ड्यूरेबल मटेरियल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप ज़्यादा टाइम यूज़ करते हो इसे तो स्वेट आता है और पसीने से ये गीले हो जाते हैं। तो विद टाइम 1-1.5 साल में ये निकलना, जो मटेरियल है ये ईयर कप्स के ऊपर कुशनिंग के ऊपर, तो ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये हेडफोन मैंने पहले भी बहुत टाइम पहले यूज किया था तो मुझे पता है ये चीज। और यस, ये एक डाउनसाइड है इस हेडफोन का कि कुशनिंग आपको सॉफ्ट मिल जाएगी बट जो मटेरियल है वो उतना ड्यूरेबल नहीं है। और ओवरऑल बाकी की चीज की बात करें तो सेनेजर का ब्रांडिंग आपको हेडबैंड के ऊपर के साइड पे देखने मिल जाएगा, दोनों ईयर कप्स के साइड पे आपको सेनेजर का जो लोगो है वो देखने मिल जाएगा, HD206 का ब्रांडिंग है दोनों भी साइड पे, और RL दोनों का यहाँ पे सिंबल दिया गया है। तो लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा आपको पता चल जाएगा। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है हेडफोन, थोड़ा सा चीप लगता है हाथ में एक्चुअली, कंसिडरिंग सेनेजर ब्रांड के हेडफोन है। तो हालांकि बहुत से हेडफोन प्लास्टिक में आते हैं बट चीप फील नहीं होता, बट ये इतना ड्यूरेबल भी फील नहीं होता है। लाइट वेट है हालांकि प्लास्टिक बिल्ड होने के कारण, और देखिए मैं फ्लेक्स भी कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से फ्लेक्स हो जाता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हाथ में हेडफोन्स लेते ही थोड़ा सा चीप फील होता है, इतना ड्यूरेबल नहीं लगता है। और बाकी ईयर कप्स की मैं बात करूँ तो ये जो है थोड़े बहुत टिल्ट हो जाते हैं और थोड़े बहुत रोटेट भी होते हैं दोनों साइड्स में, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं। एडजस्टेबल हेडबैंड जो है हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा, या आपके सर के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और तो कुछ है नहीं बिल्ड के बारे में, सिंपल सी बिल्ड है, सिंपल सा डिज़ाइन है, लाइट वेट है, प्लास्टिक की बिल्ड है कम्प्लीटली। तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको लाइट वेट ही पसंद है तो आप डेफिनेटली ऐसे हेडफोन्स चेक कर सकते हो। वायर की मैं बात करूँ तो वायर काफ़ी लंबी है एक्चुअली, तो मैं यूजुअली इस वाले हेडफोन की वायर जो ऐसे रोल करके रख देता हूँ क्योंकि 2-3 मीटर की वायर है और हैंडल करने के टाइम पे थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप अगर ये हेडफोन्स यूज़ भी करते हो तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही यूज़ कीजिएगा टाई करके, क्योंकि बहुत बड़ी केबल है। और क्वालिटी की मैं बात करूँ, जो वायर की क्वालिटी है वो डिसेंट क्वालिटी है, ज़्यादा ज़्यादा भी हाई लेवल की यहाँ पे मुझे नहीं लगी, डिसेंट सी क्वालिटी है। और हेडफोन जैक आप यहाँ पे देख सकते हो, 3.5 mm हेडफोन जैक है, गोल्ड प्लेटेड है। इसके साथ में आपको एक अडेप्टर भी आता है जो कि 6.3 mm का अडेप्टर है, वो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं आज अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो यस, अडेप्टर आपको इसके साथ मिलता है, तो वो आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे इसके साथ माउंट करके। तो वही है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं इस हेडफोन्स के बारे में। और एक चीज़ अगर आपको कुछ बता दूँ तो ये हेडफोन जो है माइक सपोर्ट नहीं करता है, तो ये वाला जो हेडफोन है इसके अंदर कोई इंटरनल माइक्रोफोन नहीं है। तो बस यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थी इस हेडफोन के बारे में। और साउंड टेस्ट मैंने ऑलरेडी इसका किया हुआ है, गेमिंग के साथ भी मैंने यूज़ किया हेडफोन्स को, तो ओवरऑल आउटपुट कैसा है इस हेडफोन का क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। तो पहले स्टार्ट करता हूँ बेस से, तो जो बेस है इस हेडफोन का मैं कहूँगा ओके है, डिसेंट भी नहीं कहूँगा। आपको जो साउंड आउटपुट आता है बेस का इस हेडफोन से
ओके है, वो जो पंचिनेस होता है यू नो बेस में, जो एक थंब का साउंड होता है वो मिसिंग है इसमें, एक्चुअली आएगा बट बहुत ही कम आएगा, बहुत ज्यादा कम आएगा आपको यू नो मिड लेवल पे, एक लो लेवल पे, हाई लेवल पे, उसमें तो मैं कहीं पे भी नहीं रखूंगा इसे। तो बेस जो है आपको यू नो ठीक ठाक सा इसके अंदर मिल जाएगा, हालांकि मिड्स जो है, वोकल्स पार्ट जो है वो काफी अच्छे से सुनाई देता है, वोकल्स आपको क्रिस्टल क्लियर आउटपुट दे देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं बैकग्राउंड में वो भी आपको काफी अच्छे से सुनाई देंगे। तो वहां पे मुझे एक्चुअली ये हेडफोन पसंद है क्योंकि वोकल्स क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट्स बैकग्राउंड में जो प्ले होंगे काफी अच्छे से सुन पाओगे, आपको उसका जो ऑडियो आउटपुट है काफी क्रिस्टल क्लियर है। हाइज में भी ठीक ठाक काम कर देते हैं, इतना ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, बट यस मीडियम रेंज में ये काफी अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं। और एक जो चीज जो है मुझे इस हेडफोन के बारे में पसंद नहीं आई वो है इसका ऑडियो आउटपुट लेवल। तो मैं 100% वॉल्यूम लेवल पे भी अगर इस हेडफोन को यूज करता हूँ तो यू नो प्रॉपरली मुझे वो आउटपुट नहीं मिलता है, या उस हायर लेवल पे मुझे आउटपुट नहीं मिलता है इस हेडफोन से, क्योंकि यू नो अगर आप क्राउडेड एरिया में हो, यू नो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप 100% वॉल्यूम लेवल पे भी अगर सॉन्ग सुनते हो तो भी आपको यू नो आजू बाजू का जो साउंड है वो आएगा, तो वो एक चीज थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है वहां पे, क्योंकि आप यू नो 1800 तक का अगर कोई हेडफोन खरीद रहे हो और आपको प्रॉपर वो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट तो उस लेवल का नहीं मिलेगा, तो वो यू नो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है। तो यस ऑडियो का जो आउटपुट है वो और अच्छा हो सकता था, एटलीस्ट वॉल्यूम के मामले में, वॉल्यूम थोड़ा बहुत भी अगर हो जाता तो अच्छी बात थी। हालांकि लैपटॉप्स में अगर यूज कर रहे हो ना, एडिटिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, आपको काफी अच्छा साउंड मिल जाएगा वहां पे, बट आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो उतना आउटपुट आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा उस लेवल का। 100% वॉल्यूम लेवल पे आप बहुत हेडफोन्स यू नो बहुत अच्छा आउटपुट दे देते हैं, बट इस वाले हेडफोन में मैं कहूंगा वो चीज मिसिंग है। आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा बट क्राउडेड एरिया में अगर आप हो तो यस आपको डेफिनेटली क्राउड का साउंड वहां पे कैच हो जाएगा, और यस फिर यहाँ पे ये हेडफोन्स जो है वो थोड़ा सा कम आउटपुट आपको दे देंगे। तो यस ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, अमेजोन पे ये आपको 1800-1900 में मिल जाएंगे इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना हो तो आप वहां से बाय कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि ये हेडफोन किसे बाय करना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस वाले हेडफोन को रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, बट यू नो अगर कोई सेनाइजर ब्रांड का फैन है, उसे सेनाइजर ब्रांड के जो लाइनअप है उसमें से कोई एक बजट वाला हेडफोन चाहिए होगा, ओवर एड यू नो ओवर ईयर हेडफोन चाहिए होगा, तो वो कंसिडर कर सकता है इस हेडफोन को। हालांकि आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि 1800 जो यू नो जो एक प्राइस लेवल है उस हिसाब से इसको ऑडियो आउटपुट इतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए मैं इस वाले हेडफोन्स को किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो मेरे लिए तो थम्स डाउन है इस वाले हेडफोन्स के लिए, बट हाँ अगर आपको यूज करना ही है, अगर आप यू नो सेनाइजर ब्रांड के फैन हो या आपको चाहिए सेनाइजर वाला, तो आप मॉनिटरिंग पर्पज के लिए डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। आप अगर इंडोर यूज कर रहे हो, यू नो आप ट्रैवलिंग में यूज नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ इंडोर पर्पज के लिए यूज करने वाले हो तो आप मॉनिटरिंग के लिए यह हेडफोन यूज कर सकते हो। आप अगर सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो या गिटार रिकॉर्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली यू नो इस हेडफोन्स को जो है मॉनिटर करने के लिए यूज कर सकते हो। बट हालांकि अगर कोई इंसान यू नो एक्स्ट्रा बेस ढूंढ रहा है, एक्स्ट्रा बेस आपको पसंद है, तो डेफिनेटली ये हेडफोन्स आपके लिए नहीं है। बात करूं गेमिंग की, तो गेमिंग में भी अच्छा खासा आउटपुट आपको दे देंगे, बस माइक नहीं है तो आपको फोन का इंटरनल माइक्रोफोन ही यूज करना पड़ेगा, तो गेमिंग के मामले में अच्छा चल जाता है, ये कोई दिक्कत वाली बात वहां पे है नहीं, बस आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े से ज्यादा है हेडफोन से, तो ये वाला हेडफोन मैं यूजुअली नहीं रेकमेंड करूंगा। आपका बजट यू नो 1600-1700 तक ऑलरेडी अगर है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप माउनो का AU MH501 मॉडल नंबर है, ये एक हेडफोन है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर किया हुआ है, तो वो वाला हेडफोन काफी अच्छा आउटपुट आपको दे देगा। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लुक्स के मामले में काफी अच्छा है, मतलब ओवरऑल अगर मैं यू नो कंपेयर करूँ इस वाले हेडफोन से तो वो बहुत ज्यादा यू नो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और काफी अच्छा आउटपुट आपको उसमें देखने मिल जाएगा, बेस भी काफी अच्छा है उसमें। हालांकि एक कंपैरिजन वीडियो भी मैं कर दूंगा दोनों के ऊपर इन फ्यूचर, बट यस इस वाले हेडफोन्स के लिए अभी के लिए थम्स डाउन। सो बस यही था आज की इस वीडियो में, यही मेरा क्विक रिव्यू था इस हेडफोन्स को लेके। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।